बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम आप बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं उन माताओं बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन मंदिर में तो चढ़ा नहीं सकती हैं। लेकिन मैं उनको एक विधि बताता हूँ, वो घर में चोला कैसे चढ़ाएं। हनुमान जी की उनके पास मूर्ति होगी, मान लो जिस तरह मेरे पास ये मूर्ति है, ठीक है, ऐसी मूर्ति होगी, उस मूर्ति को वो सिंदूर लगा सकते हैं, सूखा सिंदूर। वो कैसे लगाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट ही बताता हूँ। मान लीजिए ये है, इसको सिंदूर लेंगे सूखा, बजरंगबली का नाम लेके इस उंगली से लगाएंगे। हनुमान बाबा बस का हाथ में भगवान हाथ मार आओ हनुमान मीर भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंदिर ईश्वर बचा जय श्री राम। ए हनुमान बाबा बस का हाथ में लुम भगवान हाथ मार आओ बाबा हनुमान मीर भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंदिर ईश्वर बचा जय श्री राम। ए हनुमान बाबा बस का हाथ में लुम भगवान हाथ मार आओ बाबा हनुमान मीर भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंदिर ईश्वर बचा जय श्री राम। ए हनुमान बाबा बस का हाथ में लुम भगवान हाथ मार आओ बाबा हनुमान मीर भक्ति गुरु शक्ति पूर्व मंदिर ईश्वर बचा जय श्री राम। ए हनुमान बाबा बस का हाथ में जय श्री राम। मंत्र पढ़ते हुए या हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान को विनती करते हुए इसे सिंदूर लगाएंगे, सूखा ही लगाएंगे, तेल वाला नहीं, घर में कर सकते हैं कि मूर्ति को आप बाहर की मूर्ति ना करें, मंदिर घर में कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, सिंदूर लग गया, ठीक है, थोड़ा हल्का सा चेहरे पे भी लगा दें। उसके बाद हनुमान जी के आप जैसे कान्हा जी के कपड़े होते हैं ना, वैसे हनुमान जी के वस्त्र भी बनाइए इस तरह से, जैसे हमारे मेरी वाइफ ने बना रखे हैं, वो तो मायके गई हुई है, तो ये सेवा मैं बाबा की मैं करता हूँ, मैं तो वैसा चोला भी चढ़ाता हूँ और ये इस तरीके से वस्त्र बनाए हुए हमने, तो ये कान्हा जी के जैसे बनते हैं ना वैसे वस्त्र बनाइए। तो ये आप रोज़ ऐसे बनाइए कि हर मंगलवार शनिवार को आप सकें और सकें, ठीक है ना। ये हनुमान जी महाराज हमारे वगैरह तैयार करते हैं, सुंदर लग रहे हैं, और ये इनका दुपट्टा पहना है। इस तरीके से घर की माताएं बहनें जिन्होंने हनुमान जी को भाई बना रखा है, वो हनुमान जी को इस तरह से चोला चढ़ा सकते हैं, इस तरीके से चढ़ गया ना हनुमान जी का चोला चढ़ गया, इस तरीके से हर मंगलवार शनिवार चढ़ा सकते हैं घर में, और फिर विराजित करें उनको। आपको दिखाता हूँ, जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली। ये देखिए विराजित हो गए, और जितनी भी मूर्ति है, जैसे ये मूर्ति है, हर मूर्ति पे सिंदूर लगाएं। इस तरीके से हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, जैसे कृष्ण जी की करते हैं वैसे हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक ये तरीका बताया, घर पे हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं। ये लड़के भी कर सकते हैं जो मंदिर में जाकर नहीं कर सकते, जिन पे पैसे की प्रॉब्लम है, वो घर पे चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए प्रभु श्री राम हमारे, देख रहे हो, इनको भी सिंदूर लगाऊंगा मैं। घर पे ही सेवा हनुमान जी कर सकते हैं, उनके मन में मलाल रहता होगा कि मैं चोला कैसे चढ़ाऊँ, तो ऐसे घर में आप चोला चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये विधि आप ध्यान रखना, बाकी पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे, उसको उसी तरह से करना है जैसे आप करते होंगे। राम जी का नाम ज़्यादा लें, लहसुन प्याज अंडा मांस मछली दारू बियर ये ना पिए, ना सेवन करें इनका, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए चोला चढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाई थी, ओके ओके जय श्री राम। ये देखिए हमारे हनुमान जी।